गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए समर स्पेशल कॉट सेट्स फ्रॉम मीशो। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, आज की वीडियो में बहुत फन होने वाला है। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ सबकी कीमा आशी, पहन के बैठी हूँ चड्डा क्योंकि आ गई है गर्मियाँ। करती हूँ आपका स्वागत अपनी वीडियो में और आज हम करने वाले हैं मीशो कॉट सेट समर एडिशन, क्योंकि ऑलरेडी नो, यू गाइस ऑलरेडी नो कि समर आ गई है और मेरी भी समर की पूरे एडिशंस चल रहे हैं हर चीज़ों के। तो उसमें से एक मैंने कॉट सेट्स भी रखा था मीशो पे। बहुत ही प्यारे प्यारे से कॉट सेट्स हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे स्टाइलिश जैसे शॉर्ट्स एंड टॉप शर्ट, कुछ एथनिक टाइप वाले कुर्ते एंड पेंट वाले, कुछ प्रोफेशनल कोट एंड सूट सेट काइंड ऑफ। बहुत ह्यूज वैरायटी थी, मैंने उसमें से चीज़ें छांटी हैं जो मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही थी, जिनकी रेटिंग्स भी अच्छी थी, जो देखने में भी बहुत अच्छे थे, कलर और स्टाइल भी बहुत अच्छा था। तो आज की वीडियो में होने वाले हैं 11 आज की वीडियो में होने वाले हैं 11 कॉट सेट्स और डिफरेंट कलर्स के होने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी अभी भी जो मैं कॉट सेट पहन के बैठी हूँ, ये मेरा एक साल पुराना है और अर्बैनिक का है। मैंने इसको एज अ कॉट सेट दुबई में ही पहना था, उसके बाद तो मैंने सिर्फ शर्ट वेयर किया और इस कच्छा लाइक शॉर्ट्स को मैंने पहना ही नहीं था। तो मैं अभी वीडियो में पहन के बैठी हूँ, चलो घर पे तो पहन ही सकते हैं, सो बाहर भी पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने नहीं पहना था यहाँ पे अपने हरिद्वार में। तो बात की जाए मिनिमम से मैक्सिमम, जो हमारा इस वीडियो का प्राइस रेंज रहेगा, जो मिनिमम है वो 430 रुपये का आपका मिनिमम कॉट सेट है मेरी वीडियो में, और जो मैक्सिमम है ना वैसे तो 600 रुपये का है, लेकिन एक ही कोट सेट है जो सीधा 1500 रुपये का है। तो हमारा मैक्सिमम आप 1500 कह सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग किया है 450 से और मैक्सिमम 1500 वाला एक ही है, वरना जितने भी है ना वो अंडर 600 ही हैं। तो चलो आई एम सो एक्साइटेड, देखते हैं कोट सेट्स कैसे रहते हैं। पहला जो हमारा कोट सेट है, मुझे लगता है सबसे सस्ता मेरे हाथ में आ गया रैंडमली, आप पिक्चर में देख सकते हो 448 रुपीज़ का कोट सेट है। और मुझे ना इसमें ये प्रिंट और कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ऑरेंज बेज और ये जो भी कलर्स इसमें यूज़ हुए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो चलो देखते हैं कैसा आया है ये। फैब्रिक वाइज तो बहुत ज़्यादा स्मूद है गाइज, और ये है इसका पजामा, ठीक है, और दोनों तरफ आपको पॉकेट मिल जाएगी, आप देख सकते हो। जो मैं कलर की बात करी थी ना, थोड़ा सा इसमें रेड है, ऑरेंज है, मस्टर्ड है, बेज है, ये इसके शेड्स होने वाले हैं, बैक से भी आप देख सकते हो। और ओ सॉरी, दिस इज़ फ्रंट, वो बैक था जो मैंने दिखाया आपको। इसमें यहाँ पे पॉकेट भी हैं और अंदर से आप फैब्रिक भी देख सकते हो कैसा है। और मुझे ना जिसमें एक चीज़ नहीं पसंद आ रही है ना, वो ये है कि ना इसका ये फिनिशिंग से बेल्ट नहीं बनी हुई है, शायद पहनने के बाद स्ट्रेच होके ठीक लगे, लेंथ भी ठीक लग रही है, फैब्रिक इज़ नाइस, स्टिचिंग इज़ ओके। मैं वियर करके ही कुछ बता पाऊँगी कि अच्छे से कैसा लग रहा है। और ये है इसका अपर पार्ट, शर्ट हल्की सी शोल्डर से लूज़ है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। कॉम्बिनेशंस कलर के बिल्कुल वही हैं, फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब 400 के हिसाब से, 450 के हिसाब से जो मिल रहा है ना, काफ़ी क्यूट ये पूरा कॉट सेट लग रहा है मुझे, पूरा ऊपर से नीचे का सेट। मैं इसको एज अ नाइट सूट भी वेयर कर सकती हूँ, मतलब कॉट सेट काफ़ी लोगों को नाइट सूट ही लगता है, अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ ना पहनने में, लाइक लूज़ जैसा मैं प्रेफर करती हूँ, तो ये मेरा नाइट सूट बन जाएगा। चलो इसको वेयर करके आती हूँ। गाइस ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रहा है जैसा पिक्चर में दिखाया था, पूरा लुक आप इसका देख सकते हो, मुझे काफ़ी क्यूट और डिसेंट सा ये लग रहा है, और मैं इसको डेली वेयर में पक्का पहनूंगी ही पहनूंगी। पूरा फिट देख सकते हो, लेंथ देख सकते हो, पजामे की लेंथ कहाँ तक है, दोनों साइड पॉकेट है, बैक से भी देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। प्लस पॉइंट जो मुझे पता है क्या लग रहा है, बिल्कुल फुल स्लीव्स है, धूप में कहीं भी जाना होता है मैं लिटरली ढूंढती हूँ कि कुछ मुझे ऐसा फुल स्लीव्स वाला मिल जाए यार, जो मैं पहन पाऊँ। और क्या है ना, पूरी शर्ट टाइप का है, आपने कोई टॉप भी पहना हुआ है तो उसके ऊपर भी आप इसको वियर कर सकते हो, ठीक है, धूप से बचने के लिए। फैब्रिक इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस अब एक मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है कि वॉश के बाद ना ये श्रिंक ना हो ज़रा सा भी कहीं भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल फिटेड है। या तो मैं सोचूँ एम साइज़ का मंगा लूँ इसको, तब मुझे ज़्यादा सही है। अभी तो आप पजामे की फिटिंग देखो, मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है, मतलब दिस इज़ माई साइज़,
लेंथ वाइज फिट वाइज पजामा भी बहुत स्मार्ट लग रहा है। बस मुझे एक ही डर है, धोने पे अगर ये ज़रा भी सुकड़ा तो बहुत बुरा हो जाएगा, और अगर नहीं सुकड़ा तो अच्छा तो है ही, एम साइज़ हर तरफ से बड़ा हो जाएगा। ये भी देख सकते हो पीछे से कितना ज़्यादा लाइक पूरा लाइक हिप कवर है। काफ़ी गर्ल्स ये सोचती कि लॉन्ग हो कवरी हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट कॉर्सेट है उन लोगों के लिए, हर तरफ से कवरी परफेक्ट स्मूथ फैब्रिक वाला, बहुत क्यूट है। मेरी तरफ से तो इसके लिए डेफिनेटली थम्स अप। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है ना वो इतना प्यारा लग रहा है ना पिक्चर में, देखो उस पर लिखा हुआ है श्रग एंड प्लाजो टॉप एंड बॉटम का, रेयन फैब्रिक का है ये और 530 रुपये का है। दो कलर के ऑप्शन थे, वाइट एंड ब्लू एंड वाइट एंड ग्रीन। मेरा दिल तो वाइट एंड ब्लू पे आ गया है, तो चलो इसको खोल के देखते हैं। छोटू हथियार, इसको यूज़ करते हुए बस सावधान रहे, सतर्क रहें। गाइज ये है पजामा और काफ़ी सी थ्रू टाइप का लग रहा है मुझे ये, ठीक है। बॉटम आप देख सकते हो ऐसी है और अंदर से आप फैब्रिक देख सकते हो कैसा सा है। रेयन मुझे प्योर रेयन नहीं लग रहा, हल्का सा कॉटन मिक्स अजीब सा फैब्रिक लग रहा है मुझे इसका, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कैसा, मतलब फैब्रिक सॉफ्ट है, प्योर रेयन नहीं बोलूँगी, कॉटन मिक्स है इसमें, ठीक है। देख सकते हो बैक से कैसा है, फ्रंट से कैसी इलास्टिक है इसकी, बैक से कैसा ढीला ढाला पजामा है, सही तो मुझे लग रहा है। अब बात की जाए इसके श्रग की, तो आप देख सकते हो ये ऐसा श्रग है, ठीक है। अंदर कुछ ऐसा वाइट कलर का टैंक टॉप पहनना पड़ेगा, उसके ऊपर आप श्रग भी कर सकते हो। ये स्लीव्स देखो, बैक से देखो। मैंने ना एम साइज़ मंगाया क्योंकि मुझे था कि स्मॉल कहीं ज़रा सा भी टाइट ना है, मुझे लूज़ में ही जाना था, कॉर्सेट लूज़ ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने एक साइज़ बड़ा ही मंगाया है एम, कि ये बड़ा साइज़ का फिट काफ़ी अच्छा लगेगा पहनने के बाद। वैसे तो सब कुछ बिल्कुल सेम लग रहा है, अगर आप ये वाली पाइपिंग देखो, बॉर्डर देखो, स्लीव्स का बॉर्डर देखो, कलर भी सेम वही है, पहन के फिट वही मिल गया ना तो मज़ा आ जाएगा। तो चलो क्विकली वियर करके आती हूँ। गाइज आप देख सकते हो इसका पूरा फिट आया कैसा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसा पिक्चर में दिखाया था ना एग्जैक्टली सेम, ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल ढीला ढाला सा पजामा। फिटिंग वाइज मुझे बिल्कुल ठीक आया, पॉकेट की लेंथ भी देख सकते हो कितनी इसकी पॉकेट की लेंथ है, पजामे की पूरी लेंथ है आप देख सकते हो। मैंने कुछ नहीं वियर किया हुआ, मतलब बिल्कुल फ्लैट्स वियर किए हुए हैं, हील्स वगैरह कुछ नहीं है। क्या लेंथ आ रही है, और ये फ्रंट में कैसा रहेगा आपका ये श्रग टाइप का चीज़, पूरे प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ देख सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल सेम है जैसा दिखाया है। बैक से लेंथ देख सकते हो कहाँ तक की लेंथ रहेगी इस श्रग की, और पूरा लुक, पूरा स्टाइल, पूरा फिट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जो दिखाया है ना एग्जैक्टली वैसा ही आया। अब मेरे पास कोई हैट हो, जूट बैग हो, और मैं चल रही हूँ गंगा जी के साइड में, क्योंकि बीच बीच नहीं बोलना ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो गाइस इसको देती हूँ मैं थम्स अप, क्योंकि बहुत प्यारा है, और मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कॉर्ड सेट, आप इसको नाइट सूट की तरह वियर कर सकते हो, जिम वियर, डेली वियर, ओवरसाइज टी शर्ट के साथ शॉर्ट्स है। आप पिक्चर में देखो कलर कितना प्यारा लग रहा है, येलो 400 रुपये का ये है, इसमें चार कलर के ऑप्शन थे, येलो, ब्लैक, मरून एंड ग्रे। मैंने मंगवाया पीला कलर क्योंकि पीला मेरे भाई का फेवरेट है, बचपन में सब कुछ पीला होता था नितिन के पास, सब कुछ पीला, जो भी कुछ लेके आता था उसमें पीला ना होता ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नितिन और वो पीले कलर का ना एक मामला ही अलग है। और अगर मैंने वो सारे किस्से अपने भाई के जगत मीडिया पे सुना दिए ना, मेरे से ज़्यादा मेरा भाई फेमस हो जाएगा, और उसके किस्से ना इतिहास में याद किए जाएंगे कि एक था लड़का ऐसा भी। तो गाइस ये है टी शर्ट, इसको यार जीन्स के साथ भी सेपरेटली वियर कर सकते हो, तो कितना वर्थ इट है, 400 रुपये में आपको ये मिल रहा है। तो देखो कितना ब्राइट येलो कलर है, ठीक है। मैंने साइज स्मॉल मंगवाया, बैक से भी आप देख सकते हो, फैब्रिक बहुत स्मूथ है एंड प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब एक होता है ना चीप प्रिंट वो नहीं है, प्रिंट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ब्राइट येलो कलर का ये है। अब इसकी शॉर्ट्स की बात की जाए तो ये है इसके शॉर्ट्स, इलास्टिक वाले, पॉकेट वाले, यहाँ साइड में नीचे कैलिफोर्निया लिखा हुआ है देख सकते हो। यहाँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया जैसा पिक्चर में दिखाया है, पहन के लुक एंड फिट अच्छा आया ना, तो ये भी मेरा नाइट सूट कैटेगरी में जाने वाला है। नाइट सूट का मतलब है मेरे लिए कि मैं उसको दिन रात लथेड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब घर पर रहती हूँ तो मैं नाइट सूट ही पहने रहती हूँ दिन रात, और बाहर ही मैं नाइट सूट पहन के चली जाती हूँ, रेडी मैं तभी होती हूँ अब जब मुझे वीडियो शूट करना होता है। चलो वियर करके आती हूँ। गाइज योर बिग साइज येलो डक इज हेयर, इसको पहनने में बिल्कुल येलो डक जैसी लग रही हूँ। फैब्रिक बहुत स्मूथ है, बहुत कंफर्टेबल है, इसके शॉर्ट्स भी बहुत कंफर्टेबल है, आप पॉकेट भी देख सकते हो, टी शर्ट भी देख सकते हो कितनी ढीली ढाली है, इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा
सॉफ्ट वाला प्रिंट है। टी शर्ट की आप लेंथ मैं आपको दिखा दूंगी, आपको कितनी लंबी टी शर्ट मिल रही है देख सकते हो, इतनी लंबी है। बैक से भी कहाँ तक की टी शर्ट की लेंथ है, कहाँ तक शॉर्ट्स आ रहे हैं ये है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स ना पहनने में सी थ्रू हो रहे हैं, कि आपने जो भी अंदर पहना हुआ होगा ना वो क्लियरली विजिबल होगा। आप देख ही सकते हो, पॉकेट से आप आइडिया ले सकते हो कि इसकी पॉकेट कितनी ज़्यादा चमक रही है। तो काफ़ी ज़्यादा सी थ्रू है इसका शॉर्ट्स। अगर आप थोड़े डार्कर कलर पे जाओगे लाइक डार्क ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, वो इतना ज़्यादा सी थ्रू नहीं होगी। ये येलो कलर, वाइट कलर मुझे लगता है ज़्यादा सी थ्रू हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा क्यूट आउटफिट ये लग रहा है, प्यारा सा। पूरा देख सकते हो कहाँ तक कितना ढीले ढाला है, क्या फिट आ रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं इसको मतलब यही सोच के देख रही थी कि इस प्राइस रेंज में घर में पहनने के पूरा गॉड सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आप चाहो तो स्नीकर्स पहन के आउटिंग भी के लिए भी जा सकते हो, कहीं से भी कहीं कुछ बुरा नहीं लग रहा है। तो बस सी थ्रू वाली चीज़ मुझे हल्का सा थोड़ा सा इशू लगा, डार्कर कलर में वो भी नहीं होगा, लेकिन अच्छा तो मुझे लग ही रहा है। उस सीजन से इस क्यूट सी येलो कलर की डक आपको देती है थम्स अप। खुद को ही क्यूट बोलिया मैंने, वाह। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा लाइक्रा प्रिंटेड टॉप एंड बॉटम का ग्रीन कलर का कॉर्ड सेट है, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये मुझे 607 रुपए का पड़ा है और इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। मतलब ये थोड़ा टेक्सचर्ड में है, चेक टेक्सचर्ड में, आप प्लेन भी ले सकते हो। आप देख सकते हो कितने सारे इसमें कलर ऑप्शंस हैं, और देखते हैं कि ये होने कैसा वाला है। ये ना काफ़ी ब्लेजर वाला लुक दे रहा था मेरे को, ब्लेजर एंड स्कर्ट वाला, मैंने इसीलिए ये ऑर्डर किया। 600 रुपए के हिसाब से मैं बताती हूँ कितना वर्थ इट मुझे लग रहा था। कि आपको ना पहले नीचे एक अंदर स्पेगडी पहनने को मिल जाएगी, देख सकते हो आप, ठीक है। पास से आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हो, किस कलर का क्या टेक्सचर है। स्ट्रैप्स इसके एडजस्टेबल नहीं है, फैब्रिक काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। और ये है इसके नीचे की स्कर्ट, इसको भी आप सेपरेटली वेयर कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल वाले लुक की फिट की स्कर्ट है, फ्रंट एंड बैक पूरा आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी नीटली स्टिचिंग हुई हुई है। मतलब अगर आप 600 रुपये दे रहे हो ना, तो वर्थ इट चीज़ों के 600 रुपये दे रहे हो। सी थ्रू भी नहीं है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, एंड अगेन स्ट्रेचेबल भी है फैब्रिक। अब बात की जाए इसके ब्लेज़र की, तो ये है इसका ब्लेज़र। हाँ ओके, ब्लैक बटन वाला ब्लेज़र है, कॉलर आप देख सकते हो, लेंथ में काफ़ी लंबा लग रहा है, बैक से भी आप देख सकते हो, फ्रंट में आपको दो पॉकेट भी इसमें दिख जाएंगी, स्लीव्स भी ठीक ठाक हैं। तो ये तो अब जैसा, ओ पॉकेट नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन है, फ्लैप्स लगे हुए हैं, कोई पॉकेट नहीं, मैं यही चेक करने वाली थी। तो जैसा दिखाया है ना, आया तो वही है। अब मैं पहन के देख लूँ लुक वाइज उतना ही अच्छा है या बुरा है, अब पहन के ही पता चलेगा, वेयर करती हूँ। इस ड्रेस को पहन के इंस्टेंटली ना मुझे एयर हॉस्टेस वाली फीलिंग आने लगी। मतलब प्रोफेशनल ऑफिस में मीटिंग में कोई होता है ना, आपको बिल्कुल कोई, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई प्रेजेंटेशन या एक ऑफिस गर्ल वाला पूरा लुक है ये। आप देख सकते हो ये टॉप है अंदर क्रॉप, उसके ऊपर बहुत हाई वेस्टेड पेंसिल स्कर्ट आपको मिल रही है, और उसके ऊपर ये आपको ऐसा ब्लेजर मिल रहा है। मुझे ना ये इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस है, और ये टेक्सचर चेक मैंने लिया, आपको प्लेन भी मिल जाएगा पूरा, आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन ये चेक मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। बस एक चीज़ जो मुझे फील हुई कि जिसके जो कोट है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, अब ये थोड़ी सी मतलब 3-4 इंच भी इसे शॉर्ट होती ना, और यहीं से पूरा गोलाई होता, तो देखो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी लगती और ज़्यादा अच्छा जस्टिस करती अपने छोटी मिनी पेंसिल स्कर्ट को। अभी क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है ये, बाकी पूरा आप देख सकते हो कि बैक से कहाँ तक की स्कर्ट आएगी, कहाँ तक का आपका ये ब्लेजर आएगा। फ्रंट से भी आप देख सकते हो, फैब्रिक ऑब्वियसली हल्का मोटा तो है ही, गर्मी में गर्मी तो लगेगी, लेकिन ब्लेजर में तो ऐसी गर्मी लगेगी, लेकिन लुक बहुत अच्छा मिल रहा है आपको इस प्राइस रेंज पे। ये कॉट सेट बहुत प्रोफेशनल लुक देगा और बहुत सही है ये, मतलब पूरा आप देख सकते हो बहुत अच्छे से आपने इसको पहना हुआ है, बैग कैरी किया हुआ है, हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, तो मतलब बहुत अच्छा लुक लगेगा। बहुत एन नंबर ऑफ इसमें कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, तो मुझे रेट के अकॉर्डिंग ये लुक जो आपको मिल रहा है, फैब्रिक जो स्टिचिंग मिल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो आप आराम से जाके आंख बंद करके ले सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसके लिए मैं तो इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये कलर की वजह से मैंने लिया, आप पिक्चर में देखो, पर्पल कलर का रेयॉन फ्लोरल प्रिंटेड का ये कॉर्ड सेट है। इसमें ना 3 कलर के ऑप्शन हैं, येलो है, रेडिश है, ब्लैकिश है, ब्लैक एंड बेज। मुझे ना पर्पल एंड लाइट पर्पल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, एंड ये 484 रुपीज़ का है, और मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में नाइट सूट रख के कैटेगराइज किया था कि यार ये कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, घर में पहनूंगी वो समर्स में, और अगर ये कॉटन का आया तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन इस पर लिखा रेयॉन है, अब देखते हैं कि फैब्रिक क्या है।
गाइज ये फ्लावर इस पे ना फैब्रिक पे प्रिंट हुए हुए हैं, ठीक है। अब आप समझ पाओ मैंने साइज स्मॉल मंगाया है। पीछे से ना ये बिल्कुल प्लेन पर्पल है, ठीक है। ऊपर से ना ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, जितना भी ये पूरा प्रिंटिंग है, देखो इसमें वन साइड पॉकेट है, इस तरफ इसमें पॉकेट है छोटी सी, ये रही इसकी पॉकेट, ठीक है। फैब्रिक अभी तो मुझे थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, वैसे तो सॉफ्ट है लेकिन जैसे नया फैब्रिक होता है ना वो थोड़ा हार्ड सा फील दे रहा है मुझे, लेकिन वैसे तो मुझे ठीक लग रहा है। अकॉर्डिंग टू प्राइस मैं देखूँ कलर एग्जैक्टली सेम है जो दिखाया गया था, और इसका जो टॉप है ना वो थोड़ा सा ऐसे इस स्टाइल का था, नीचे से हल्का सा ऐसे फ्रॉक टाइप के पैटर्न का था, ऊपर वी नेक है इसका, स्लीव्स भी आप देख सकते हो कितनी है, बैक से भी आप देख सकते हो। और अच्छी बात ये लग रही कि मुझे लूज़ आया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लूज़ जितना होगा ना ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा गर्मी में वियर करने के लिए भी, तो मुझे ठीक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे ये पर्पल वाला फैब्रिक है ना, ये एक वॉश के बाद ना सॉफ्ट हो जाएगा, और ये पर्पल वाला फैब्रिक मुझे कॉटन लग रहा है, पता नहीं क्यों इस पर रेयन लिखा हुआ है, पूरा कॉटन लग रहा है मेरे को, कॉटन एंड रेयन मिक्सचर लग रहा है, बल्कि कॉटन तो मुझे लगता है और महंगा आता है, मे बी मिक्सचर है तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी रेयन की और रेयन लिख दिया हो, ऐसे आई डोंट नो। चलो मैं वेयर करके आती हूँ फिर बताती हूँ ज़्यादा चुभ रहा है या कैसा लग रहा है। गाइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरी माइक के साथ, और मैं इतनी बार दिखा भी चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे नया ही लेना पड़ेगा, अभी भी बहुत आवाज़ में आपको डिफरेंस लग रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से। बाकी आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको कहा था कि इसके कलर कॉम्बिनेशंस की वजह से मैंने इसको ले आई, कितना प्यारा लग रहा है पर्पल एंड फ्लावर, पूरा लुक आप इसका देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जो मुझे एक चीज इसके बारे में अच्छी नहीं लगी ना वो है इसकी जो बॉटम्स है ना वो थाइस है ना मुझे काफी ज्यादा टाइट है, आप देख सकते हो कि पूरी लेंथ कहाँ तक आ रही है, मैंने फ्लैट्स वेयर किए हुए लेकिन ये थाई पार्ट्स है ना मुझे काफी ज्यादा टाइट है और लूज ज़्यादा अच्छी लगेगी, और आसन वाला पार्ट इतना ज़्यादा इसका टाइट है, पूरा यहाँ से देखो ये चीज़ मुझे इतना खिंच रही है क्योंकि मैंने पूरी टांग ऐसे कर दी ना तो ये लिटरली फट जाएगी, और मतलब आप कंफर्टेबली इतना काम नहीं कर पाओगे, तो वैसे खड़ी हूँ तो इतना मुझे पता नहीं चल रहा है इसका टाइटनेस, लेकिन अगर मैं बैठूंगी या थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसे पैर स्ट्रेच करूंगी तो फट जाएगा, अगर मैं साइज अप करूंगी तो फिर कुर्ती भी ढीली होगी, तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि फैब्रिक स्ट्रेचेबल तो है नहीं, तो उस हिसाब से बॉटम काफी टाइट है, और काफी लोगों की जिनकी थाइज हैवी होती है तो उनके लिए तो और ज्यादा दिक्कत वाली बात है। बाकी आप देख सकते हो कुर्ती का क्या शेप है, वी नेक है, कैसा फ्लावर कह रही हूँ, फ्लेयर वाली ये पूरी की पूरी कुर्ती है, प्रिंटेड है, बैक से भी आप देख सकते हो कुर्ती की फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि ये ना पूरा प्रिंट हुआ हुआ है, लाइक फैब्रिक बिल्कुल प्लेन पर्पल है और ये पूरा इस पर प्रिंट हो रखा है, ठीक है। वैसे काफ़ी क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को, बस कमी वही है कि इसकी बॉटम थोड़ी टाइट है, वो आप साइज अप कर लेना या देख लेना, एज सच तो कोई कमी नहीं लगी, और कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे लग ही रहे इतने अच्छे, जिस रीजन से मैं इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट हमारा बीच वियर वुमेन कॉट सेट है, टू पीसेस ड्रेस टॉप शॉर्ट्स ऐसा लिखा हुआ है इसमें, पिक्चर में देखो मतलब जो मैंने पहना हुआ है ना अभी बस उसी का प्रिंटेड वर्जन समझ लो आप। इसमें चार कलर के ऑप्शंस हैं, मैंने फर्स्ट वाला मंगवाया है जिसमें कुछ ब्लूइश एंड ऑरेंज वाला टेक्सचर है, 426 रुपीज़ का है, मतलब 400 सबसे सस्ता है ये वाला, 426 रुपीज़ का जो मैंने 430 की कैटेगरी में बोला था वो यही है। अब देखते हैं इसका शॉर्ट्स एंड शर्ट्स का शर्ट का क्या फैब्रिक रहता है और कैसा आता है, वरना क्योंकि ये बहुत कम्फर्टेबल रहते हैं यार, बीच वगैरह में भी पहनने में सच में मज़ा आ जाता है। गाइज ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। अरे यार ये ना शर्ट में ना लंबा कर देते हैं, ओवरसाइज्ड, इनको ओवरसाइज्ड क्यों नहीं समझ आता है, तो पता नहीं पहन के कैसी लगे। पहले आप देखो जैसा पिक्चर में दिखाया है सेम वही प्रिंट वही वाला कलर वाला मुझे रिसीव हुआ है, थोड़ी लॉन्ग शर्ट है ये, ठीक है, और कॉलर वगैरह सब कुछ ठीक है स्मॉल साइज़ में, वियर करके ही बताऊँगी कहीं से अगर टाइट आ रही होगी तो। और ये हैं इसके शॉर्ट्स, एग्जैक्टली सेम ढीले ढाले से वो शॉर्ट्स हैं, पॉकेट भी है, ठीक है देख सकते हो, एक मिनट यार पॉकेट जिधर को है, देखो पॉकेट इधर को है, दिख रहा है आपको ये कट बना हुआ है पॉकेट का, दैट मीन्स ये फ्रंट साइड है, क्योंकि पॉकेट में हम हाथ डालेंगे तो हम ऐसे हाथ डालेंगे, ये बना हुआ है कट, और जो ये रिबन लगा हुआ है ये उल्टी तरफ लगा हुआ है, इन्होंने गलत रिबन लगा दिया, देखा भी नहीं है, देखो पीछे लगा हुआ है स्मॉल का टैग और ये पीछे इन्होंने रिबन लगा दिया, तो ये मुझे खोल के इसकी सिलाई खोल के इसका रिबन आगे लगाना पड़ेगा, मैं इसी से कन्फ्यूज़ हुई क्योंकि ये तो बैक है पॉकेट इधर है,
तो बाकी आप देख सकते हो क्या लेंथ है, फैब्रिक वाइज स्मूथ है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। बस पहन के इसका लुक अच्छा आया ना, तो 430 रुपए पूरे वसूल है। क्विकली भी अगर क्या आती हूँ, लुक तो अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है। अब आप पूरा पहले देख लो कि लग कैसा रहा है। मुझे जो एक चीज इसके बारे में नहीं अच्छी लगी, जो नहीं समझ आई, वो है इसकी शॉर्ट्स की फिटिंग। मतलब शॉर्ट्स ना मुझे काफी ज्यादा टाइट हो रहा है। आप देखो जब मैं ऐसे करूँ ना, तो देख सकते हो कितना ज्यादा खिंच रहा है आसन वाले पार्ट से। ये बहुत ज्यादा वियर्ड सा टाइट हो रहा है मेरी थाई पे। और जिन लोग की थोड़ी भी हैवी थाइज होगी, अगेन उसके लिए, उनके लिए शॉर्ट दिक्कत करेगा, क्योंकि जो साइज है ना शर्ट का, वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। पूरा देख सकते हो ना, मैं ऐसे बंद करके भी दिखा दूंगी कि आपको शर्ट कहाँ तक की आ रही है, स्लीव्स कहाँ तक की आ रही है, बैक से भी आप देख सकते हो कहाँ तक की आ रही है। और वैसे खोल के भी पहनोगे ना, तो मतलब स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा, फैब्रिक अच्छा है, बीच में ये पहन के जाओगे काफी सुंदर लगेगा। बस ये कि शॉर्ट्स लूज ही अच्छे लगते हैं ना, कुछ ऐसे ढीले ढाले आउटफिट्स में, बीच वीच वेयर में अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो लूज फिट ज्यादा अच्छा लगता है। उस हिसाब से ना ये शॉर्ट्स हैं काफी टाइट है, ढीले होने चाहिए थे। तो मैं सोच रही हूँ इसका हम एक हैक ही कर सकते हैं कि अपने साइज से एक साइज बड़ा मंगा लो, तो शर्ट भी आपको लूज मिल जाएगी, शॉर्ट्स भी लूज मिल जाएंगे, तो वो चीज कंफर्टेबल भी रहेगी और काफी अच्छी भी रहेगी। बाकी आप पूरा लुक देख सकते हो कैसा है क्या है, पॉकेट्स भी हैं। और वो बात तो मैंने आपको बोली थी कि इसमें पीछे ये गलत इन्होंने लगा दिया है, ठीक है, ये मैंने पूरा सेंडर टक कर रखा है, ये फ्रंट में आएगा, तो आप पूरा लुक देख सकते हो। वैसे बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्रिटी है, पूरा बीच वेयर आउटफिट है, जूट वाला बैग ले रखा है, हैट लगा रखी है, बहुत अच्छा लगेगा। बस साइज अप कर लेना, बाकी लुक तो आपके सामने। वैसे मुझे काफी अच्छा है, उसके लिए मैं इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट हमारा ना बहुत ही प्यारा सा कॉट सेट है, पिंक कलर का, पिक्चर में देखो, ये मुझे 596 रुपीस का पड़ा है। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस है, पिंक एंड पीच के कलर टोन्स में आपको बहुत अच्छे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे ये प्रिंट और स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था, तो चलो देखते हैं कैसा आया है। ऐसे देखने में तो सेम सा ही लग रहा है, और स्मॉल साइज मैंने मंगाया है। भाई मैं इतना भयंकर अंदर तक फाड़ देती हूँ ना, फिर मुझे लगता है कि मेरा ड्रेस पे ना मैं फाड़ दूँ। ये इतना टिड्डा सा, रुको रुको रुको, ये इतना टिड्डा सा बहुत खतरनाक है। ये देखो किस कितने प्यारे इसके प्रिंट है ना, कितना सुंदर प्रिंट, ऊपर से इलास्टिक की फिटिंग, मतलब सिलाई वगैरह भी कितने अच्छे से दी हुई है। इधर से भी आप देख सकते हो, इसमें पॉकेट है, वन साइड पॉकेट है, इधर सी एक तरफ पॉकेट है इसमें अच्छी खासी, और एक तरफ पॉकेट नहीं है, एक ही तरफ पॉकेट है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फैब्रिक इज सो स्मूथ, अंदर से आप देख सकते हो वाइट है, बाहर से पूरा पिंक है, अच्छा लग रहा है, लेंथ वाइज भी सही लग रहा है। अब ये है इसका अपर, जो कुछ कुर्ती स्टाइल में आएगा, ठीक है, देख सकते हो इसमें कॉलर है, इसकी स्लीव्स आप देखो यहाँ पे भी बिल्कुल जैसे शर्ट नहीं होता पठानी, उसमें भी यहाँ पे लगा हुआ होता है, बिल्कुल पठानी शर्ट वाला इसका कुर्ता लग रहा है। सही लग रहा है मुझे तो देखने में, फैब्रिक वाइज भी ओके लग रहा है, गर्मी ना लगे इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वी अगर क्या आते हैं तभी पूरे इसके रिव्यूज़ देते हैं। मुझे इतना परफेक्ट एथनिक स्टाइल वाला कॉट सेट लग रहा है ना, आप पूरा इसका लुक देखो, राइट, कुर्ते की लेंथ आप देखो कितनी डिसेंट कुर्ते की लेंथ है, और पूरा जो ये पैंट्स है, साइड में पॉकेट है, मतलब ये मुझे सूट ही लग रहा है कि मैंने ना एक सूट वेयर किया हुआ है, और पठानी सूट काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ से पूरी ऐसे वाली स्लीव्स हैं इसकी जो मैंने ओपन की हुई हैं। बाकी पूरा लुक देखो आप इसका, लग रहा है ना बिल्कुल वही, अब सिल्वर ऑक्सीडाइज जूली से मैंने एक्सरसाइज किया हुआ हो तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। पीछे से भी देख सकते हो आप क्या लेंथ है, मेरा बार बार यहाँ हाथ जा रहा है कि दोनों पॉकेट होती तो मज़ा आ जाता। अब मुझे जो लग रहा है वो ये कि बस ये हल्का सा श्रिंक ना हो यार, देखो ये नहीं पता मुझे, फैब्रिक वाइज बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्यूट है, देख सकते हो जो चीज़ आपको पूरी दिख रही है, जो इसके जो बटन है ना वो सिर्फ दो ही ओपन होते हैं, पूरे आपको ऐसे यहाँ से पूरे लाइन से बटन दिख रहे हैं लेकिन सिर्फ दो तक ही बटन इसके ओपन होते हैं, बाकी आप पास से पूरा फैब्रिक, पूरा लुक, पूरा फिट देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये। काफ़ी सारी गर्ल्स, लेडीज़ या न्यूली मैरिड जितनी भी लड़कियाँ हैं वो कुछ ऐसे कॉट सेट्स भी ढूंढते हैं ना जो अच्छे भी लगे, क्योंकि थोड़ा बाहर पहन वहन के जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल समर एप्रोप्रिएट है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, तो इसी वजह से मैं देखती हूँ पिंकी आउटफिट को थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट हमारा कॉट सेट ना बिल्कुल सिंपल वाला है, वो नहीं तो लूज टी शर्ट एंड लोअर वाला, पिक्चर में देख सकते हो आप इसको एज अ डेली वेयर, जिम वेयर, ट्रेवल वेयर, नाइट सूट कैसे भी पहन सकते हो। ये मुझे 558 रुपीस का पड़ा है, मतलब 560 रुपए का मुझे पड़ा है। इसमें कलर ऑप्शंस देख सकते हो, एन नंबर ऑफ कलर ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, और मैंने जो मंगाया है ना वो मैंने मंगवाया है
इस ऑलिव ग्रीन सा कलर, डार्क ग्रीन सा कलर, जो मुझे बहुत देर से देखने में ब्लैक ही लग रहा था, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं ये ऑलिव ग्रीन कलर है। देखते हैं कैसा आया है, क्या फैब्रिक आया है। प्लीज़ टी शर्ट ओवर साइज हो, प्लीज़ मज़ा तभी आएगा। मेरे ख्याल से ये ओवर साइज़ नहीं है, ये ना चौड़ी में लंबी कर देते हैं। ये स्लीव्स वाला लॉजिक क्यों नहीं समझ पाते, देख तो यहाँ से, ये क्यों नहीं समझ पाते मीशो वालों, प्लीज़ ये चीज़ समझो। ओवर साइज़ में भी की स्लीव्स कैसे देते हो आप, यहाँ वाली कटिंग में थोड़ा रिसर्च करो ना, ओवर साइज टी शर्ट्स का यहाँ से कैसा सीन होता है, वो कैसी लगती हैं। बाकी पता नहीं ये पहन के कैसी लगे, लेकिन जो प्रॉपर ओवर साइज टी शर्ट जो हम H&M से लेते हैं और ब्रांड से लेते हैं, या कई बार इतनी अच्छी ओवर साइज वहाँ भी मिल जाती हैं सरोजनी में, उनको भी प्रॉपर होती है, ये मुझे उस तरीके से लग ही नहीं रही है। देखो स्लीव्स इतनी पतली और यहाँ से इतनी चौड़ी, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। बाकी पहन के देखेंगे, बाकी फैब्रिक वाइज बहुत स्मूद है। अगर आप घर में पहनने के ले रहे हो, ट्रैवल पर्पस ले रहे हो, बहुत स्मूद है भाई, गर्मी नहीं लगने वाली। ये है इसका पजामा, देख सकते हो इसका पजामा कैसा है, और पॉकेट वॉकेट भी हैं इसमें दोनों साइड, और कोई आगे ना ऐसे नाड़ा नूड़ा इलास्टिक वगैरह नहीं है, इधर भी पॉकेट है इधर भी पॉकेट है। अगर वो नाड़ा वाला इलास्टिक होता तो उससे थोड़ा अच्छा लुक भी आ जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ये बात तो है कि बहुत सॉफ्ट है, घर में पहनने में पजामा बहुत मज़ा आएगा। वियर करके देखती हूँ, क्या पता है ये टी शर्ट सही लग रही हो, मैंने पहले ही इतनी इसकी बुराइयाँ कर दी हैं, वियर करके आती हूँ। गाइस इसका फिट आप देख सकते हो कि लग कैसा रहा है, पूरा देखो इसका लुक, स्टाइल फिट पहन के कैसे आने वाला है। पर बहुत स्मूथ है, जैसा दिखाया था बिल्कुल वैसे ही आया था। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि मीशो वालों के लिए ओवर साइज का मतलब होता है क्या इतनी लॉन्ग टी शर्ट। मतलब लॉन्ग का मतलब ओवर साइज सिर्फ नहीं होता, वो पूरी ऑल ओवर ओवर साइज होती है। आप देख सकते हो यहाँ से स्लीव्स और यहाँ के फिटिंग क्या आ रही है। लाइक ये मेरा पर्सनल सोचना है, मुझे ना इतनी लंबी सी ऐसी फिटेड टी शर्ट नहीं पसंद, वो बहुत ज़्यादा ढीली हो तो स्मार्ट लगती है। तो ये मैंने इसलिए इसको ऐसे मोड़ के कुछ ऐसे करके पहनी कि हाँ ये थोड़ी स्मार्ट लगे और इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। बाकी उतना ही मज़ा इसके बॉटम में आ रहा है, क्या परफेक्ट लोअर है, लोअर है, बहुत परफेक्ट लोअर है। आप देख सकते हो कि कहाँ रखी इसकी लेंथ है, फैब्रिक इतना स्मूथ है, इसकी मतलब पॉकेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, मतलब मुझे ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल लगा। आप इसको ट्रेवल में पहन सकते हो, शॉपिंग करने के लिए, डे वियर में, मतलब कैसे भी आप इसको पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऐसा मेरा सोचना है कि ये काफ़ी लॉन्ग लग रही है, वरना स्मार्ट भी लगी रही यार। ये लाइक मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, अगर ऐसे फोल्ड करके पहन तो काफ़ी मोटा सा हो रहा है, लूज़ उतनी होती, थोड़ी और टी शर्ट लूज़ होती तो मज़ा आ जाता, बॉटम बहुत अच्छी लग रही है। वैसे अगर मैं ओवरऑल देखूँ जो दिखाया है वैसा सा आया है, कम्फर्टेबल है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छी है, उस रीज़न से मैं इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। हाइला आलिया, आलिया का कोट शर्ट मीशो ने चुरा लिया। ओ वाह, मैं कितना अच्छा राइम करने लगी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर में मेरे अंदर का शायरी वाला अंदाज जाग जाएगा। हाइला आलिया मीशो ने चुरा लिया, अरे वाह, ये 608 रुपये का है ये वाला कोट सेट, आप जो देख ही चुके हो पूरा, अब आप समझ ही चुके होंगे मैंने किसको देख के क्यों मंगाया। हाँ अब ये मेरी ये वाली आत्मा कौन सी आ गई थी बताओ, समझ गए, एक सीरियल आता था बा बड़ी सी बिंदी लगाती थी, मैंने इसलिए मंगा लिया। हाँ ओहो ओहो, इसको पहन के तो मैं मम्मी को कहूँगी लो पूरा समुंदर ही मैं ही बन गई हूँ। इसका पजामा देखो भाई, कलर देखो ज़रा आप इसके, वाह अंदर से है बिल्कुल वाइट, ठीक है। बाकी मैंने मंगाया साइज़ स्मॉल, मुझे लगता है मुझे टाइट ना हो, बहुत टाइट होने वाला गाइस, बहुत टाइट, मेरे गले में बंद होने के लिए इसको इतना ढीला और होना था, तो इसकी इलास्टिक तो बहुत टाइट होगी, मेरा पेट बिचेगा, ढीली करवानी पड़ेगी मुझे इसकी इलास्टिक। बाकी आप देख सकते हो पूरे वही कलर्स हैं, फैब्रिक तो स्मूथ है, गर्मी लगेगी नहीं लगेगी दिस आई डोंट नो, वियर करके ही बताऊंगी, अभी तो मैं प्रोडक्ट देख रही हूँ। ये देखो दिख रही है आपको शर्ट, ज़रा भी लूज फिट नहीं लग रही है मुझे। बाकी आप देख सकते हो स्लीव्स, बैक से आप देख सकते हो, कॉलर में भी पूरा ऐसे मल्टी शेड डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग इन्होंने दी है, बटन ट्रांसपेरेंट यूज़ करे हैं, अंदर से फैब्रिक देख सकते हो। वी अगर के आती हूँ तभी कुछ बताती हूँ, उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ओ माय गॉड, छी गाइस इसकी फिटिंग इतनी ज़्यादा गंदी है, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना
उसके ऑपोजिट मुझे इंस्टेंटली इसको पहन के अपना बॉडी शेप इतना वियर्ड और इतना गंदा लगने लगा कि छी इतनी गंदी फिटिंग है। मतलब आपने इतना सुंदर ओमरे कपड़ा यूज किया है और उसके बाद आपने स्टिचिंग भी की है, उसके बाद इतनी गंदी स्टिचिंग की है आपने कि मतलब आप देखो ये शोल्डर्स कहाँ आ रहे हैं, कैसा से ये शोल्डर से टाइट है, कैसी ये शर्ट लग रही है, शर्ट की पूरी लेंथ और फिटिंग देखो। उसके बाद इतना वियर्ड सा ये पजामा, कितना गंदा लग रहा है ये पजामा की छी, मतलब ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग क्या दिखाया था क्या आया, और वैसे भी आप पूरा देख सकते हो ये मुझे बहुत ही वाहियात बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये बहुत सुंदर बन सकता था। आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहता, इतना ब्यूटीफुल सा आप स्टिचिंग देते, इतना सुंदर ओमरे कपड़ा आपने लिया और क्या बर्बाद कर दिया। मतलब भाई बिल्कुल बहुत ही बेकार है, मतलब मैं इसको 100 रुपये में भी ना खरीदूँ, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं, मैं पहनूँ ही ना, मेरे पास अगर कोई फ्री में मुझे गिफ्ट भी कर दे तो। ये इतना ज़्यादा बुरा है, अब बिग बिग नो फ्रॉम माई साइड। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। मैंने सोचा था 2 मिनट का साइलेंस ब्रेक ले लूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने वीडियो कहाँ से बना मंगवाए हैं, वीडियो का टाइटल क्या चल रहा है, आप ऑब्वियसली पता होगा मीशो। आप कुछ मंगाया है झोल ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पिक्चर में देखो मैंने क्या मंगाया था, इतना प्यारा ब्लू कलर का कॉट सेट, ब्लू एंड वाइट, क्योंकि ब्लू एंड वाइट में मेरा दिल आता है, मैंने अभी भी ब्लू एंड वाइट पहना है। 585 रुपीज़ का ये मैंने मंगवाया था, एंड जब मुझे पर्पल सा दिखा मैंने सोचा ये तो मैंने मंगाया नहीं है, फिर मैंने सोचा आओ मीशो गिफ्ट देते हैं वो मुझे, तो मैंने सोचा चलो सरप्राइज गिफ्ट देख ही लेती हूँ कि मैंने ब्लू मंगाया था एंड मुझे दिस लाइलैक लेवेंडर व्हाटएवर ये मुझे रिसीव हुआ, तो हम इसी से काम चला लेंगे। देख सकते हो ओवर साइज शर्ट है ये, स्लीव्स बहुत धागे निकल रहे हैं यार इससे, और पीछे से ना गंदा भी हो रहा है, इस तरफ से दाग धब्बे से कुछ लगे हुए हैं। बाकी शर्ट तो ये ठीक है, ओके है, और इसका पजामा पहले देखना चाहूँगी मैं। बाप रे बहुत छोटी इलास्टिक है, और पजामा बहुत छोटा सा क्यों लग रहा है भाई, बैंगा सा, ढीला करना पड़ेगा मुझे तो। दोनों तरफ पॉकेट है इसमें, बैक से आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत लूज़ है। इसकी ना स्टिचिंग भी ख़राब लग रही थी मुझे, लेकिन स्टिचिंग ठीक है, बिल्कुल स्टिचिंग में कोई कमी नहीं है गाइस। कलर ब्लू की जगह पर्पल आ गया, कोई बात नहीं, सरप्राइज़ मिलना भी चाहिए तभी तो मज़ा आता है। पॉकेट वॉकेट की लेंथ भी बिल्कुल ठीक है, मैं वियर करके आऊँगी तभी कुछ बता पाऊँगी, ऐसे ना बिल्कुल मैं जज ही नहीं कर पा रही हूँ क्या टाइट है, कहाँ से ढीला, कहाँ से लूज़, वियर करके आती हूँ। अब इसका क्या बताऊँ, कलर तो ऑलरेडी डिफरेंट आया ही है, लेकिन आप देखो मुझे इसकी शर्ट काफ़ी पसंद आई लूज़ फिट में, जो भी इसका फिट है शर्ट का, और उसके साथ ही उतना ही बुरा इसका बॉटम आया है। एक बार जरा बॉटम देखो, ये लेंथ में भी ऊंचा है, हाइट वाइज भी छोटा आ रहा है, बहुत वियर्ड सी इसकी पजामे की शेप है। मतलब पिक्चर में दिखाई थी कि पूरा लूज स्ट्रेट ट्राउजर टाइप का होगा, वाइड वाला, ठीक है, ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट, और ये बहुत अजीब सा छोटा सा आया, इसकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ से तो कितनी ज़्यादा बुरी पजामे जैसे फिटिंग है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। वैसे भी कलर तो डिफरेंट था ही, और इसमें और तड़का लग गया। बाकी शर्ट की बात करूँ तो शर्ट की फिटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जो भी आप देख सकते हो शर्ट की लेंथ, फिटिंग, स्लीव्स कहाँ तक आ रही है, कैसे आ रही है, बैक से भी आप देख सकते हो कैसा ये पूरा लुक लगेगा पहन के। लेकिन मुझे बॉटम ही नहीं अच्छी लग रही है, मैं क्या बोलूँ, फैब्रिक अच्छा है, स्टिचिंग अच्छी है, लेकिन बॉटम तो बिल्कुल बकवास लग रही है ना, आप समझ पा रहे हो ये कितना गंदा सा है। दोनों तरफ पॉकेट का भी कोई यूज़ नहीं है, जब इसे पजामा सी आपने दे रखी है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, क्या ही बोलूँ, कलर भी अलग दे दिया, पजामा भी अलग दे दिया, बेकार है, मत लेना। नेक्स्ट दिखाती हूँ, लास्ट पार्सल है, ओ लास्ट पार्सल, हाँ लास्ट पार्सल, ये लास्ट आउटफिट है हमारा, ये जो है सबसे महंगा 1509 रुपये का। आपको क्या लगता है, ब्लंडर होगा या अच्छा निकलेगा, मैंने इतना महंगा एक पार्सल मंगाया है, आउटफिट मंगाया है, पिक्चर में देख लो आप ज़रा, ठीक है, ये है 1500 रुपये का, और क्रोशिया वाला फैब्रिक होता है ना, उस फैब्रिक का है। लेट्स सी कैसा आया है, मुझे लग रहा है कि उम्मीद तो थोड़ी ठीक ठाक ही है। लेट्स सी 1500 रुपये में क्या मिल रहा है मुझे, एक मुझे लगा एक चड्डी है एक ट्यूब टॉप, आपको ट्यूब टॉप वियर करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये जैकेट वियर कर लेनी है। यार बुरी नहीं लग रही है ये, हाँ ट्यूब टॉप ही है, देखो बिल्कुल बुरी नहीं लग रही है यार, ये कोट स्टाइल है, बहुत अच्छा क्रोशिया का फैब्रिक है, सॉफ्ट बिल्कुल, अभी मैं पास से भी दिखाती हूँ आपको, सी वैसे अंदर पूरा ऐसा ब्लैक कलर का दिया हुआ है फैब्रिक, पास से देखो आप ये पूरा क्रोशिया वाला चीज़ कितना अच्छा लग रहा है।
और मैं इसकी पहले पैंट्स भी देखूँ। सी देखो इसकी पैंट्स कितनी ज़्यादा सही लग रही है यार ये, अगर पहन के फिटिंग अच्छी आई ना तो मज़ा आ जाएगा। पास से देखो पूरा कितना अच्छा फैब्रिक लग रहा है मुझे। पैसे वसूल हो जाएंगे यार मेरे 1500 रुपये अगर ये मस्त है तो। प्लीज़ तुम ढीली हो ना, टाइट है हल्की सी, 1 इंच लूज़ करवानी पड़ेगी क्योंकि जो फ्रंट बेल्ट है वो बिल्कुल बेल्ट है, उसमें इलास्टिक नहीं है, जो इलास्टिक वाला पार्ट है वो सिर्फ पीछे है और अंदर आप देख सकते हो पूरा अस्तर लगा हुआ है, पूरे पैर में अस्तर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सी थ्रू हो कहीं से, पूरा अस्तर लगा हुआ है, जिप जुप कुछ भी नहीं है। मैं तो इसको क्विकली वेयर करके आती हूँ। हाँ जी, तो ये 1500 रुपए का है तो इस पर थोड़ा तो हम टाइम लेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहले तो आप पूरा लुक देख लो कि कहाँ तक का कैसा इसका लुक आएगा, लाइक फ्रंट से ऐसा लग रहा है, बैक से कैसा लग रहा है आप पूरा देख सकते हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर पूरा ऐसे टैंक टॉप वियर किया हुआ है, इसको मैंने बंद नहीं किया हुआ है। और मैं बताती हूँ सबसे पहली चीज़ मुझे जो पहनते ही फील हुई बॉटम में कि इसकी लेंथ मुझे छोटी लगी, लाइक मेरी हाइट 5'3" है और उसके हिसाब से आप देख सकते हो मुझे ना बिल्कुल सीधा सा ये आ रहा है, थोड़ा सा भी लंबा नहीं है। तो जो लंबी लड़कियाँ होंगी उनके लिए बॉटम के लिए हाइट में हो जाएगा थोड़ा सा इशू, ठीक है। और वन साइड पॉकेट है, पॉकेट अच्छी खासी लंबी है, हाइट का मुझे एक इशू लगा। और दूसरा इशू जो मुझे लगा वो लगा इसकी जो इलास्टिक है ना, पहनने में बहुत ज़्यादा पीछे इलास्टिक नहीं है क्योंकि फ्रंट में तो मैंने आपको बताया बेल्ट है, जो भी इलास्टिक वाला पार्ट था वो बैक में था, लेकिन इतनी ज़्यादा इलास्टिक ही नहीं थी कि बहुत अच्छे से स्ट्रेचेबल हो जाए। तो जो जिनकी पियर शेप बॉडी होती है उनको यहाँ से चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब पैसा वसूल है। पास से आप इसका फैब्रिक देखोगे ना, थोड़ा क्रोशिया वाला चीज़ आप देख सकते हो, पूरी लेगिंग ही पैंट्स ही ऐसी हैं, बस लेंथ में छोटी है, लेंथ लंबी होती तो मज़ा आ जाता। और अब मैं अपर की बात करूँ तो जो इसका आर्म होल है ना वो आप देखो कहाँ तक है, बिल्कुल चढ़ा हुआ आर्म होल है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। और मुझे पर्सनली हैबिट है कि मैं थोड़े बड़े आर्म होल वाले पहनूं, और मेरे ख्याल से हर एक लड़की ये चीज़ प्रेफर करेगी, गर्मियों में चिपका हुआ आर्म होल और ज़्यादा हाथ पे रगड़ा मारता है, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसका आर्म होल ही इतना टाइट है कि मुझे पहनने में अभी ही इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा है। आर्म होल बड़ा होगा तो मुझे इसमें एज सच और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप देख सकते हो ऐसे लूज में आपने पहना हुआ है, कितना स्टाइलिश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब मैं इसको थोड़ा प्रोफेशनल वियर में भी देखूंगी ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे बटन है इधर और इधर, आप यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट भी बंद कर सकते हो तो ये थोड़ा ढीला रहेगा, और आप चाहो तो ऐसे ओवरलैप करके इसको टाइट वाला भी बंद कर सकते हो, लेकिन मुझे तो खुला ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लूज़ बंद करूँगी तो मैं यहाँ से लूज़ बंद कर लूँगी। बस मैंने सारे इसके मैरिट्स और डीमेरिट्स मैंने बता दिए हैं। अब नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कितना पसंद आ रहा है और आप कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, या अपनी हाइट के अकॉर्डिंग या जो भी मैंने दिक्कतें बताई उसके अकॉर्डिंग। बाकी पूरा लुक आप एक और बार देख लो, फैब्रिक वाइज बहुत अच्छा है, देखने से सामने में बहुत ही रिच लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस जो कमियाँ थी वो मैं बता चुकी हूँ। तो बस दैट्स इट फॉर दिस कोट। So guys, that's it. ये थे मेरे आज के प्यारे से कोट्स, बिल्कुल मेरी तरह प्यारे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे सुंदर कौन सा लगा, सबसे अच्छा कौन सा लगा, कौन सा आप बाय करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर भरना। और मैं आपके कमेंट्स हमेशा चेकआउट करती हूँ, इस बार भी चेकआउट करूँगी। और जब मैं थोड़े फन मूड में बैठी हूँ तो थोड़े ज़्यादा स्लोली कर रही हूँ, सॉरी फॉर द बैड वर्ड। और तो बस ऐसे ही चल रहा है काम धंधा मेरा। आप सुनो आप कैसे हो, बाकी मेरी वीडियोस को पूरे यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। मैं बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए, जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट और बड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ आप सबसे। चलो गाइज, बाय बाय।